दोस्तों एक टाइम था जब सैमसंग का मार्केट शेयर चाइना में 20% से ज्यादा का था, और अब एक टाइम है जब सैमसंग का लास्ट कंपनी जहां पर सैमसंग की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होती थी वो भी हाल ही में बंद कर दी गई है, क्योंकि वहां पर अब इसका मार्केट शेयर 2% से भी कम का रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी का वहां पर मार्केट शेयर क्यों दिन पर दिन गिरता गया, जानेंगे हम इस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M14 सैमसंग का एक और बहुत ही बड़ा लूजर स्मार्टफोन आ गया है इंडियन मार्केट में, जो कि इंडियन कस्टमर्स को काफी ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पर सैमसंग गैलेक्सी M14 की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है इस स्मार्टफोन को लेकर, कि इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट रियल बात कोई भी नहीं बता रहा है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों सैमसंग गैलेक्सी M14 एक बेहतरीन स्मार्टफोन नहीं है। M सीरीज का ये अब तक का सबसे घटिया स्मार्टफोन कहा जा सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको एक 6.39 इंचेस की फुल सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। शायद आपने सुपर एमोलेड की डिस्प्ले सुनी होगी दोस्तों, बट ऐसा नहीं है। इस स्मार्टफोन में आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ सैमसंग गैलेक्सी M13 में 15,000 में ही आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको 20,000 रुपीज में एक सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इस स्मार्टफोन में आपको एक 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। जी दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, वो भी 19,000 रुपीज के स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक को हटा दिया गया है। अब ऐसा सैमसंग ने क्यों किया है इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ अब 8,000 से 9,000 रुपीज के स्मार्टफोन में भी आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने लगा है, वहीं इस स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक और बहुत ही बड़ा कौन से इस स्मार्टफोन को लेकर। अगर ये भी आपको मैटर नहीं करता है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो इस स्मार्टफोन में आपको डेफिनेटली USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है, बट सैमसंग गैलेक्सी M13 में आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, और वहीं इस स्मार्टफोन में आपको 20,000 रुपीज में 3,500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा कौन से इस स्मार्टफोन को लेकर। इसके वजह से मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि इस स्मार्टफोन को आप परचेस ना करें, वरना आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अलग बात है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और आपको एक 15 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है, बट डेफिनेटली 3,500 mAh की बैटरी एक बहुत ही शॉर्ट बैटरी है अभी के टाइम में, जहां आपको 10,000 से 12,000 रुपीज के स्मार्टफोन में भी 4,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सो ये 20,000 रुपीज में आपको बहुत ही कम बैटरी देखने को मिलती है। अगर फिर भी आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों 20,000 के प्राइस सेगमेंट में अब जहां आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल रही है रेडमी जैसे स्मार्टफोन ब्रांड में, रियलमी X जो कि ऑलरेडी चाइना में लॉन्च कर दिया गया है, उसकी भी प्राइसिंग 15,000 रुपए है, और उसमें भी आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M14 में आपको 20,000 रुपीज में भी आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो मैं बोलूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा कौन से इस स्मार्टफोन को लेकर। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड शॉर्ट में मैं रिकैप कर देता हूँ इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक 6.3 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस स्मार्टफोन को बहुत ही बेहतरीन बना देती है। पर मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, कुछ दिन में ही आपको वीवो के VZX का लॉन्चिंग इवेंट इंडिया में रखा जाएगा, और उस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही में पंच होल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, और इसकी प्राइसिंग जो होने वाली है डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M14 से कम ही रहने वाली है। तो आप उस फोन का वेट कर सकते हैं। एंड इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा का बैक साइड में स्लॉट देखने को मिल जाती है, 32 मेगापिक्सल्स का एक प्राइमरी कैमरा है, साथ ही में 16 मेगापिक्सल्स का एक सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाती है फ्रंट शोल्डर डिस्प्ले के अंदर ही। सो ये थी कुछ बेहतरीन फीचर्स। साथ ही में इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 675 का चिपसेट भी देखने को मिल जाती है, जो कि Redmi Note 7 Pro में ऑलरेडी दिया गया है, और उसकी जो प्राइसिंग है वो 14,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। सो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन की अगली कॉन्स की, जो की है इसका प्लास्टिक बॉडी। डेफिनेटली अभी के सभी स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, बट मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी 12,000 से 13,000 के स्मार्टफोन में आपको रेडमी जैसे ब्रांड में एक ग्लास बैक देखने को मिल जाती है,
वहीं आपको 20,000 रुपीज में एक प्लास्टिक बॉडी अभी भी देखने को मिल रही है सैमसंग की तरफ से। अब ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा स्मार्टफोन पसंद आता है, प्लास्टिक बॉडी, यूनिक डिजाइन या आपको ग्लास बैक, चूज कर सकते हैं खुद से ही। लास्ट एंड फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप जरूर इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम, 128GB इंटरनल की स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसकी प्राइसिंग 19,990 रुपीज पड़ती है। और इस स्मार्टफोन को आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फाइनली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड गुड बाय।